ये तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 से एमसीक्यू रीड करेंगे। धुंध किस सॉल्यूशन की मिसाल है? गैस में माया। गैस में माया, उसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 2 रीड करते हैं जी। नंबर 2 है, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ठोस में माया है? मक्खन, बी वाला आंसर है। नंबर 3, कंसंट्रेशन किसकी निस्बत है? दोनों ए और बी। इनमें से किस सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा होता है? 0.25 मीटर। 5% m/m शुगर के सॉल्यूशन से मराद है कि 95 ग्राम पानी में 5 ग्राम शुगर हल की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है जी नंबर 6, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस से ज़्यादा मजबूत हों तो सॉल्यूट हल नहीं होता। नंबर 7 है, इनमें से किसकी सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का बहुत मामूली असर होगा? NaCl। नंबर 8 है, दर्जा जैल में से कौन सा हेट्रोजेनस मिक्सचर है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। नंबर 9 है, टंडाल फैक्ट का मुजाहरा करता है जैली। उसके बाद है जी नंबर 10 हम रीड करते हैं जी। टंडाल इफेक्ट किस की वजह से है? रोशनी की श्वा के गुजरने की वजह से। नंबर 11 है, अगर 100 ग्राम पानी में 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल हल किया जाए तो यह कहलाता है? V/m, परसेंटेज साथ में परसेंटेज की लामत लगी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जी एमसीक्यूज हम रेट करते हैं। नंबर 12 है, जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो ये बन जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर 13, मोलैरिटी सॉल्यूट के मोल्स की वो तादाद है जो हल शुदा हो सॉल्यूशन के 1 डेसीमीटर क्यूब में। नंबर D वाला इसका एमसीक्यूज है। नंबर D